एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपकी हाथ रोशनी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ दिल को दहला देने वाली खास। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर मर्डर, ट्रेन से उतरते ही लड़की को गला गोदकर मार डाला। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर मर्डर ने सबको हैरान कर दिया है। मुंबई से आई एक लड़की की ट्रेन से उतरते ही सबके सामने उसके कथित प्रेमी ने गला गोदकर हत्या कर दी है। इसके बाद युवक ने खुद का भी गला चाकू से काट दिया है। गंभीर हालत में उसे मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बलरियागंज कस्बा निवासी एक युवक का अपनी मौसी के देवर के धनंजय पासवान के साथ 24 वर्षीय निवासी के साथ प्रेम संबंध बन गए थे। सीओ सिटी गौरव शर्मा ने बताया कि दोनों ने 6 माह पूर्व ही भागकर शादी की थी। बाद में परिजनों ने दबाव से युवक और युवती अलग अलग हो गए और अपने माँ बाप के पास मुंबई चली गई। गुरुवार शाम करीब 6 बजे युवती परिजनों के साथ गोदान एक्सप्रेस से आजमगढ़ स्टेशन पर पहुंची। उसी ट्रेन से धनंजय भी मुंबई से आ गया था। ऐसे ही युवती ट्रेन से उतरती वैसे ही धनंजय ने चाकू से उसका गला काट दिया, साथ ही उसके अपना भी गला काट दिया। और एएसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि युवती की मौत हो गई है। युवक धनंजय को मंडली अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार को शाम करीब 6 बजे मुंबई से आने वाली गोदान एक्सप्रेस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंची थी। युवक अपने परिजनों के साथ ट्रेन से उतर रही थी। मुंबई से ही गोदान एक्सप्रेस से आ रहा था। उसके प्रेमी अचानक दौड़कर पीछे से आ पहुंचा और उससे गला गोदकर मार डाला। अचानक हुई इस घटना से लोग सुन्न हो गए थे। कोई कुछ पता नहीं चल पा रहा था, जिससे पहले वह सिर गिरे थे। प्रेमी ने अपना भी गला काट दिया था। यह देख लोगों का सहम गए थे। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने पुलिस को खबर दी। अब तक GRP से CPR सिपाही भी आ गए थे। युवती को उसके प्रेमी दोनों को टेम्पो से मंडली अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने युवती को मृत घोषित कर दिया और युवक का इलाज चल रहा है। दमदार परफॉर्मेंस के लिए मशहूर है कोंकणा। कोंकणा सेन शर्मा आज यानी 3 दिसंबर को अपना 43वां जन्मदिन मना रही है। इस खास मौके पर हम आपको उनके निभाए गए बेहतरीन किरदारों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनके बेहतरीन किरदारों के बारे में। 3 दिसंबर 1979 को एक बंगाली परिवार में जन्मी कोंकणा सेन बचपन से अभिनय की दुनिया में कमाल दिखाती आ रही है। यह साइंस राइज जर्नलिस्ट मुकुल शर्मा की अभिनेत्री संपर्णा सेन की बेटी है। कोंकणा ने 4 साल की उम्र में बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था, जिसके बाद वह एक बार फिर सीढ़ी चढ़ती चली गई। आज यह मुकाम तक पहुंच गई है कि दमदार किरदार निभाने के लिए उनका नाम शुमार हुआ जाता है। अभिनेत्री ने अपने पूरे फिल्म करियर में केवल उन्हीं किरदारों के लिए हाँ कही थी जिसके साथ वही पूरी तरह से न्याय कर सकती थी। आज किसी का नतीजा है कि कोंकणा की गिनती दमदार अभिनेत्री के नाम पे हुआ जाता है। कोंकणा ने अपने करियर में कई बेहतरीन और अलग किरदार निभाए हैं, जिसके लिए उन्होंने फिल्म अजीब दास्तान का दिल सेलिब्रियर्स फ्रेंड्स में भूमिका भी निभाई थी। इस रोल में उन्होंने अपने आप को एक ढंग से ढाल लिया था कि एक बार को लिंग सचे उन्हें वैसा ही समझने लगे। उसकी बॉडी वैगनेस से लेकर परफॉर्मेंस तक भी ऐसे मानो तो उन्होंने किरदार को अपने आप में ढाल लिया था। इसके लिए उन्होंने सबसे वाहवाही भी ली थी। ऐसे ग्रे शेड की किरदार निभाने के लिए कोंकणा ने कई गंभीर किरदार भी पर्दे पर खूबसूरती से अदा किए हैं। तलवार, लिपस्टिक, अंडर माय बुरका, मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, Page 3 जैसी फिल्मों में उन्होंने बहुत तारीफ मिली है। इतना ही नहीं, अभिनेत्री ने निभाए किरदारों में से कारण उन्हें फिल्म में भी किरदारों में काफ़ी प्यार मिला है। फिल्मों के पर्दे हिट रही इस अभिनेत्री की निजी जिंदगी में खूब सुर्खियाँ बटोरी है। कोंकणा के सेन की रणवीर शौरी के मुताबिक फिल्म आजा नचले के सेट पर पूरी थी। फिल्म के साथ काम करते हुए दोनों एक के दिल में जगह बना ली थी और दोनों के अफेयर की चर्चा जोरों शोरों से चल रही थी। अफेयर की खबरें और हवा तब मिली जब शादी के पहले कोंकणा प्रेग्नेंट हुई थी। इसके बाद रणवीर शौरी ने और उन्होंने साल 2010 में अपनी शादी रचाई थी। दोनों को एक बेटा भी है जिसका नाम शाहरुख है।
शादी के महज 5 साल बाद 2015 में ही दोनों ने अलग हो गए थे। इसके बाद 2020 में दोनों कानूनी रूप में अलग हो चुके हैं। जुबिन नौटियाल को अस्पताल से मिली छुट्टी। जुबिन नौटियाल ने इंस्टाग्राम पर अस्पताल से एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह अस्पताल के बिस्तर में बैठे नजर आ रहे हैं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि वह खाना खाते नजर आ रहे हैं। जुबिन ने तस्वीरें के साथ यह जानकारी साझा की है कि उनकी सेहत अभी सुधार है। इसके साथ ही उन्होंने फैंस के लिए नोट भी लिखा है। जुबिन नौटियाल ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करते लिखा हुआ है कि आप सभी की दुआओं के लिए शुक्रिया, भगवान मुझे देख रहे हैं और इस गंभीर हादसे के उन्होंने मुझे बचा लिया है। मैं अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा हूं और मेरी रिकवरी भी हो चुकी है। इससे एक बेशुमार प्यार और प्रशंसा के लिए दिल से शुक्रिया करता हूं। जुबिन की एक पोस्ट के फैंस कमेंट बॉक्स में उनकी सलामती करता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही सेलिब्रिटीज भी जुबिन को पोस्ट पर प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं। नीति मोहन ने लिखा है कि आप जल्द स्वस्थ हो, आपको खूब प्यार मिले। वहर बादशाह ने लिखा है कि जल्द ठीक हो जाओ भाई। इसके अलावा न्याय यूजर्स ने भी लिखा है कि जल्द स्वस्थ हो जाइए और आपके लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। बता दें कि जुबिन इंडस्ट्री के पसंदीदा गायकों में शुमार है। इसके गाने फैंस को काफ़ी पसंद आते हैं। राता लंबिया, लुट गए, हम नवा मेरे, तुझे कितना चाहने लगे हम, इतने सारे गाने उन्होंने गाए हैं। और वहीं पे बेवफा तेरा मासूम चेहरा यह इंटरनेशनल हिट के साथ लोगों ने उन्हें वीडियो में देखना पसंद करते हैं। हाल ही में सिंगर ने गोविंदा नाम मेरा का गाना बना शराबी शामिल हो और थैंक गॉड में भी उन्होंने अपना मानी के माँ के इते गाना भी गाया। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV आप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।